अगर आप भी अपने विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी में पिक्सल लैब एप्लीकेशन या फिर किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे अगर आपका लैपटॉप या फिर पीसी लो स्पेसिफिकेशन का भी है तो भी आप उसमें बहुत ही आसानी से एंड्रॉइड एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, इसलिए आप इसे पूरा जरूर से देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल इनकी यूट्यूब चैनल। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोस को तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही जो भी अमेजिंग वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो गाइज एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी में रन करने के लिए एक इमुलेटर की जरूरत होती है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे इमुलेटर्स मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो इमुलेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा रैम और स्टोरेज कवर करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको एक ऐसे इमुलेटर के बारे में भी बता रहा हूं कि अगर आपका विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी में रैम और स्टोरेज कम है तो भी आप इसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम है उसे ओपन करना पड़ेगा आपके विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी में, और आपको यहाँ पे सर्च करना है नॉक्स प्लेयर। जैसे ही आप नॉक्स प्लेयर सर्च करते हैं आपको फर्स्ट में ये वेबसाइट मिलती है, इस पे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करते हैं ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फर्स्ट में आपको यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको इस पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नॉक्स इम्युलेटर का जो सेटअप है वो यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस इम्युलेटर का जो साइज है 578 MB का है, लेकिन आपको इसके एडिशनल में कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं इस इम्युलेटर को कम्प्लीट डाउनलोड होने देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे पिक्सल लैब एप्लीकेशन को आप अपने विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी में इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप चला पाएंगे इस इम्युलेटर को इंस्टॉल करने के बाद। तो गाइस नॉक्स प्लेयर का सेटअप है वो डाउनलोड हो चुका है, सिंपली आपको इस पे एक बार क्लिक करना है। तो अभी जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं जो हमारा नॉक्स प्लेयर इम्युलेटर है वो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो इम्युलेटर है वो कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली अभी हमें यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो इम्युलेटर है वो लोड होना स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। तो गाइस आप देख सकते हैं इम्युलेटर है वो लोड हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि नॉक्स प्लेयर जो इम्युलेटर है उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इस इम्युलेटर के अंदर गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और वहां से आप बहुत सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप एक बार टूल्स पे क्लिक करिए और जो साइड एरोज होती है आपके कीबोर्ड के अंदर उससे आप जैसे स्क्रॉल करते हैं साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी से साइन इन करना पड़ता है, तो उसके लिए सिंपली आप एक बार इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी मेल आईडी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपको अपनी जीमेल आईडी का यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना पड़ता है। तो गाइस जैसे ही आप अपनी जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड इंटर करने के बाद नेक्स्ट करते हैं तो आपकी जो जीमेल आईडी है वो लॉगिन हो जाती है। आप देख सकते हैं जो जीमेल आईडी है वो लॉगिन हो चुकी है। तो गाइस अभी आप गूगल प्ले स्टोर से किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अभी आप अपने विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके दिखाता हूं। उसके लिए सिंपली आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को आप यहां पे सर्च करेंगे। जैसे ही आप पिक्सल लैब को टाइप करके इंटर करते हैं आप देख सकते हैं आपके सामने पिक्सल लैब एप्लीकेशन आ चुका है, सिंपली आपको इंस्टॉल पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो आपका जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा आपके विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी में। तो गाइस पिक्सल लैब एप्लीकेशन वो इंस्टॉल हो चुका है, अभी सिंपली आप ओपन पे एक बार क्लिक करिए। ओपन पे क्लिक करते ही पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन हो जाता है और देख सकते हैं आप कितना फास्ट ये ओपन हो रहा है, यानी जो इम्युलेटर है वो कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर आपका लो एंड पीसी है तो भी आप बहुत आसानी से इस इम्युलेटर को यूज कर पाएंगे उसमें। जैसे आप यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आप यहाँ से अपने यूट्यूब वीडियोज के थंबनेल्स को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से यहाँ से बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप पिक्सल एप्लीकेशन को बहुत सारी क्रिएटिव चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप इमेज साइज पे क्लिक करते हैं आप यहां से देख सकते हैं कि यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर में बना सकते हैं, यूट्यूब बैनर बना सकते हैं, फेसबुक कवर आर्ट बना सकते हैं, ट्विटर हेडर भी बना सकते हैं। तो गाइस हमने देखा पिक्सल लैब एप्लीकेशन को हम बहुत ही आसानी से अपने विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं इस नॉक्स प्लेयर इम्युलेटर के थ्रू। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप अपने विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी में इंस्टॉल कर पाएंगे इस गूगल प्ले स्टोर के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और गूगल प्ले स्टोर है उसे भी ओपन करना बहुत ही आसान है, मैंने अभी आपको दिखाया था। जैसे ही आप यहाँ पे टूल्स के अंदर जाते हैं और टूल्स पे जाने के बाद जैसे आप एरो पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे साइड में ऑप्शन मिल जाता है प्ले स्टोर का, इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका प्ले स्टोर है वो ओपन हो जाता है। तो गाइज आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपकी नॉक्स प्लेयर इम्युलेटर या फिर पिक्सल लैब एप्लीकेशन के रिलेटेड कोई भी और भी क्वेरी रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको उस टॉपिक पे मिल जाएगा। एंड गाइज अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोज को तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही जो भी अमेजिंग वीडियोज आएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो गाइज मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।